Hello students, this is Kanhaiya. Today I will discuss about chapter 2 from class 9. And name of that chapter is types of hardware. Okay students, आज हम ये देखेंगे कि कंप्यूटर हार्डवेयर कितने टाइप्स की होती है और उसकी फर्दर डिविजन क्या होती है। जैसे तो आपने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आपने प्रीवियस क्लासेस में रीड आउट कर रखी है, बट इसके अंदर हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना है कि प्रॉपर मीनिंग क्या होता है हार्डवेयर का, उसके कितने पार्ट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट अस डिस्कस अबाउट कंप्यूटर हार्डवेयर। एज यू ऑल नो अबाउट द मीनिंग ऑफ हार्डवेयर, क्या होता है आपको पता है व्हाट इज कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर इज दैट व्हिच कैन बी टच, विच कैन बी टच। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम टच कर सकते हैं, वो क्या होते हैं हमारे हार्डवेयर। टच भी कर सकते हैं, उसको हम फील भी कर सकते हैं, इट नो अबाउट हार्डवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग एक टर्म आते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर भी कैन नॉट बी टच, इसको हम टच नहीं कर सकते, जैसे एमएस वर्ड हो गया, पेंट हो गया, जो भी हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे एक्सेल हो गया, ठीक है, गेम्स हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं सॉफ्टवेयर होते हैं। बट इस चैप्टर के अंदर हम हार्डवेयर के टाइप्स पढ़ेंगे कि हार्डवेयर कितने टाइप्स की होती है। तो हार्डवेयर जैसे मैंने आपको बताया कि इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कैन बी टच और फील। ओके स्टूडेंट्स, तो कंप्यूटर हार्डवेयर कितने टाइप्स होती है देखिए। फर्स्टली सीपीयू, सेकंड मेमोरी, इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। हमारा जो कंप्यूटर है वो इन सब हार्डवेयर की हेल्प से बना है। ओके, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि सीपीयू क्या होता है, ठीक है, कंप्यूटर हमारा वर्क कैसे करता है विद द हेल्प ऑफ आईओ साइकिल, इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। वो सेम चीज इसमें भी होगी, हम इनपुट डिवाइस करेंगे, इसमें इनपुट किसकी हेल्प से दे, इनपुट डिवाइस की हेल्प से दे है। और जो प्रोसेसिंग होती है वो हमारी मेमोरी और सीपीयू की हेल्प से होती है, एंड आउटपुट डिवाइस की हेल्प से क्या होती है, आउटपुट हमें देख सकते हैं कंप्यूटर पर। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अब सीपीयू होता क्या है। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ये कंप्यूटर का क्या कहलाता है, ब्रेन कहलाता है। तो हम क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर ब्रेन ऑफ कंप्यूटर का क्या होगी, सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका क्या ऑपरेटिंग है, हमारे कंप्यूटर की कितनी कमांड्स आती है, प्रोग्राम्स होते हैं, उनको क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, उनको प्रोसेस करता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट इज मेमोरी। मेमोरी क्या करती है, डाटा को होल्ड करती है। जैसे हमारा माइंड है, हमारे माइंड क्या करता है, डाटा को स्टोर करते हैं। सेम प्रोसेस इसमें मेमोरी, मेमोरी माने क्या, टास्क, ठीक है। तो कंप्यूटर की मेमोरी क्या करती है, कंप्यूटर की डाटा को स्टोर करती है। ये कंप्यूटर की मेमोरी भी टू टाइप्स की होती है, फर्स्ट इज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकंड इज सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो हमारी क्या होती है, टू टाइप्स की होती है, रैम एंड रोम। रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम होता है डेटा रीड ओनली मेमोरी। अब इसके अंदर क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में रीड और राइट बोथ ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, ये दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर देता है, रीड भी और राइट भी। मतलब रीड और राइट का मतलब क्या है, अगर हम इसको कुछ चीज को देख रहे हैं, डेटा को देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, चेंजेस भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, चेंजेस भी कर सकते हैं। और रोम के अंदर क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, मतलब इसके अंदर हम डाटा को ओनली रीड कर सकते हैं, उसके ऊपर कुछ भी वर्क नहीं कर सकते, उसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, तो प्राइमरी मेमोरी क्या करती है, बेटा होल्ड करके प्रोग्राम और डाटा को एग्जीक्यूशन के दौरान, अब ये तो सीपीयू हमारा कोई भी डाटा को एग्जीक्यूट करता है, उसके दौरान डाटा को क्या करती है, ये स्टोर करती है, मेमोरी एग्जीक्यूशन डाटा कैन बी स्टोर्ड इन दिस मेमोरी। ओके, नेक्स्ट इज सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जो होता है, हार्ड डिस्क सीडी का फुल फॉर्म होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क डीवीडी की फुल फॉर्म होती है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क एंड पेन ड्राइव। हार्ड डिस्क होती है बेटा हमारी 200 GB की होती है, 500 GB की होती है, 80 GB की होती है। ओके, उसके अकॉर्डिंग हम डाटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। सीडी भी हमारी क्या होती है, लॉन्ग शेप की होती है, इसके साथ हम डाटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर, बट इसके अंदर हम डाटा को 3 GB अमाउंट में स्टोर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, उसकी क्लैरिटी इतनी ज्यादा नहीं होती, इसकी कंपेरिजन में डीवीडी के कंपेरिजन में, जो डीवीडी के अंदर बेटा हम डाटा को मैक्स बहुत सारा डाटा हम स्टोर कर सकते हैं एज कम्पेयर टू सीडी, और उसकी जो क्वालिटी होती है वो क्या होती है, गुड होती है, अच्छी क्वालिटी होती है। इसकी अच्छी क्वालिटी वाली वीडियो है, उसकी वीडियो की क्वालिटी क्या होती है, अच्छी होती है, और लार्ज अमाउंट के अंदर डाटा हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं इसमें डीवीडी में। नेक्स्ट पेन ड्राइव। पेन ड्राइव क्या होता है, जीबी की होती है, जैसे कि 4 GB, 2 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB, क्या अलग अलग अमाउंट भी, मतलब डाटा को क्या करके स्टोर करती है, जितनी ज्यादा जीबी उतनी ज्यादा अमाउंट में डाटा क्या जाएगा बेटा, स्टोर हो जाएगा। पेन ड्राइव भी किसका ड्राइव है, बेटा सेकेंडरी मेमोरी का।
primary protocol diamondrobes can be given a hard disk, CD, DVD, pendrive, all other part of scanning memory. Pendrive को हम flash drive बोलते हैं, क्या बोलते हैं? Flash drive. अगर आपको paper में question आ जाए, which device is also called flash drive? तो क्या होता है बेटा? Pendrive. Now input device. Input device क्या होता है? जिसकी help से हम computer में input दे सकते हैं. ठीक है, आप कुछ भी काम करती है, अगर कुछ भी टाइपिंग करना है तो किसकी हेल्प करोगे? कंप्यूटर को डाटा किसकी हेल्प से दोगे? इनपुट कराओगे. इनपुट की हेल्प से माउस क्या होता है बेटा? माउस में हमारा एक इनपुट डिवाइस होता है. स्कैनर क्या होता है? स्कैनर भी हमारा इनपुट डिवाइस होता है. इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर में किसी भी इमेज को हम इनपुट करवा सकते हैं, स्कैन करवा के. ओके, जॉयस्टिक. जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइस होता है. ये फर्दर हमारा मोबाइल गेम्स वगैरह में वीडियो गेम्स होते थे तो उसमें ना एक गेम टाइप एक सिस्टम होता था, एक हैंडल टाइप होता था, उसको वहां पे पीछे करते थे तो उससे क्या होता था? उसकी इंटरेक्शन चेंज हो जाती थी. तो जॉयस्टिक क्या हमारा एक इनपुट डिवाइस है. ठीक है, नाउ आउटपुट डिवाइस. आउटपुट डिवाइस के ऑप्शन की हेल्प से कंप्यूटर में हम आउटपुट देख सकते हैं, मतलब रिजल्ट देख सकते हैं. इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, मॉनिटर. मॉनिटर आपको पता है स्क्रीन कंप्यूटर की, जिसके ऊपर हमें कोई भी रिजल्ट आप देख सकते हैं. प्रिंटर. प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है. लेकिन कैसा आउटपुट डिवाइस है? जो हमें आउटपुट देता है ऑन द पेपर. प्रिंटर इज आउटपुट डिवाइस विच गिव आउटपुट ऑन द पेपर. ओके स्टूडेंट्स, हार्ड कॉपी देता है मतलब ये. तो प्रिंटर भी अलग अलग टाइप के होते हैं, लेजर प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, मैग्नेटिक इंक प्रिंटर, जैसे अलग अलग टाइप के प्रिंटर होते हैं, उसके हिसाब से हम एंड लास्ट इज स्पीकर. स्पीकर से हमें क्या मिलती है? साउंड मिलती है. हम कोई भी सॉन्ग सुनते हैं तो हमें किसकी हेल्प से सुनाई देते हैं, मतलब किसकी हेल्प से हमें आउटपुट मिलती है? सॉन्ग हमें कहाँ से सुनाई देते हैं? विद द हेल्प ऑफ स्पीकर्स. तो ये सब क्या बेटा? आउटपुट डिवाइस. ठीक है, ये कंप्यूटर हार्डवेयर के ये सारे हमारे क्या कंप्यूटर हार्डवेयर है. सीपीयू, मेमोरी, मेमोरी के फर्दर पार्ट्स है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे यूट्यूब चैनल एसटीएस बिलकुल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए. और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य रखिए. थैंक यू स्टूडेंट्स.